किसने है? हमारे एसएसपी कोना की बात खत्म नहीं कर सकते है। वहाँ के डॉलर की साइकिल ले गई जिसमें पहला नंबर मेरा था। मैं आपको क्या बताता हूँ, इस वक्त एक मेरा भाई है वो कैसा लगा, एएसआई बना, क्या हमारा फालू रहा, फालू भी आर्डर नहीं था, होम से आर्डर निकाला, होम से आर्डर निकलता है, पीछे जब ये हमारे वैस ऑफ डीजी थे होम से आर्डर निकलता है, ही मे बी अपॉइंटेड फालू पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन जब मैं खुद भाई लेके डीजी दफ्तर में जाता वो था यार नया करो ये पुराना। जिस वक्त फुटपाथ पे मिलिटेंसी थी, हम लोग घर से कोई नहीं निकला था, लोग बीडीसी नहीं पकड़ते थे, हम लोग उन्हें हमारे जितने जवान है 1500 रुपए जाते थे घर में, घर से निकलकर और शाना बशाना मिलिटेंसी का हमने मुकाबला किया। और आज इस वक्त जो अफसर शाही है वो इन लोगों की देन है, मेरे एसपी की देन है। मैं ये बोलता हूँ आज भी मेरे किसी एसपी को भेजा जाए, कहाँ मैं बोलूँ बॉर्डर पे कभी कोई हारने वाला नहीं है, इतना हमारे एसपी ने। अब और बोलता हूँ आज हमारे जितने भी यहाँ भर्ती हुए हैं, मैं एक एसपी को खड़ा करता हूँ डिसंगेज को, एक हमारे सफाई में उनका दुश्मन नहीं हूँ लेकिन खड़ा करता हूँ, उसको बोलूंगा AK-40 खोल के दिखा और मेरा दिखाएंगे के पूरी LMG का जो 5 भागों में खुलती है वो बता देंगे। आज अगर हम डंडू से ये हमारी प्रोटेस्ट हमें पता है, कानून का एहतराम करना हमारा खाली ये मुद्दा था कि मेमोरेंडम हमें उसको AG साहब को देना, गवर्नर साहब को, इसलिए हमने जा अगर हमारा ये तो हमारी परिवार हमारे भाई के साथ परिवार की तरह मीटिंग थी बैठना था, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो आप बोलते हैं वोट, मैं तो ओपन बोल रहा हूँ 35,000 एसपी पूरे इस बार काउंट करेगा कोई वोट निकाले। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद। भाई जो है माता बहने जो ब्रदर एंड सिस्टर जो है आज जेएनके यूटी के ये एसपीओज है, उसको उस वक्त लगाया गया था जब हालत खराब थी, एज ए एसपीओ भर्ती किया था और 1500 रुपए की सैलरी किया। हम तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, हमने एक मेमोरेंडम जो कि सरकार ने दिया गया है, हमारे से दावा किया कि एसपीओ को रीएंगेज कर दिया, अगर रीएंगेज किया होता तो हम रोडों के अंदर क्यों होते 17-17, 18-18 साल के बाद रोड के अंदर, और फिर उसके बाद 60 साल के बाद रिटायरमेंट करने के बाद पेंशन भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और 6 लड़कियां जो निकाली गई थी जो लगाई थी उसके बाद क्या देखो। और 2001 तक जब ये तमाम जवान जो 3500 जेएनके यूटी के यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो है हमें रीएंगेज करें, और विदाउट सैलरी भी गलवान घाटी के अंदर जाने के लिए तैयार हैं वॉलंटियर जान जवान। उस दिन वेपन जब दिया तो हमें इतनी ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि एक डंडा दे दिया वो इंडियन आर्मी की, हम उनसे इंडियन आर्मी का हम धन्यवाद करते हैं कि उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हथियार सिखाया और हम लड़े, नहीं तो हम हैंडीकैप होते या तो हम मिलते ही नहीं, हमें हेलीकॉप्टर हमारे एसपीओ कदे कोई गोली लग जाती थी तो उनके लिए डीजी साहब के पास हेलीकॉप्टर नहीं था, श्रीनगर के लिए था, अपने लिए था पर्सनल,
डीजी साहब के पास पर्सनल हेलीकॉप्टर था, आपने लिए एसपीओ को कदे किसी को गोली लग जाती थी इनकाउंटर में, उसको पैसे कोई भी हेली नहीं था, आर्मी देती थी हमें। उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में क्या किया था कि हमें आर्मी ले जाती थी, तो हमारे जो एसपीओ हैं 26-26 गोली लगी है हमारे पास अभी तक मौजूदा है, कि जिन एसपीओ अभी रेलवे में कुछ एसपीओ गए हैं वो जो डिसंगेज किया इनने, वो गैर कानूनी काम किया, इसलिए हमारा अपनी जो है तो हमें जब पहले जब हमें डिसंगेज किया तो हम उस टाइम नौकरी कर रहे थे, हमें ये कोई पता नहीं कि हमें डिसंगेज किया, हमें आर्मी में भेज देता कि आप जाओ काम करो, हम ग्राउंड में काम करते थे, हमें डिसंगेज 4-4, 5-5 महीने से पिछली डेटों को कर दिया, क्योंकि ये अपना हक मांगे के सर्टिफिकेशन मांगते, इसलिए हम अपने सारी पेंडिंग पड़ी हुई है। जितने भी जवान जो आप देख रहे हैं, ये जो जवान जो है इसकी साइटेशन पूरी पेंडिंग पड़ी है, 17 साल के बाद 18 साल के बाद अगर ऑल डिसंगेजर्स के ब्रदर एंड सिस्टर को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा, उसके परिवार वाले क्या खाएंगे? अगर ऐसा कानून ओनली फॉर डिसंगेजर्स पी उसके लिए होता है या उन माता बहनों के लिए होता है जो गर्भवती महिला का जो एक हस्बैंड जो है उस देश के लिए शहीद हुआ है, तो वैसा कानून जो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर भी होना चाहिए, वैसा ही कानून ऑल बेल्ट फोर्स के अंदर भी होना चाहिए कि उनको बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिसंगेज एसपी उसको बेनिफिट चाहिए था, वो सिर्फ ओनली फॉर रीएंगेज होना चाहते हैं। हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, हम कोई दंगा फसाद हम डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए हमारा जो ऊपर से जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन में दिया है और उसके बाद गवर्नर साहब ने जो दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इश्यू हो चुका है इनका मसला, अगर इश्यू हुआ होता तो 2019 से लेकर डिसंगेज एसपी रोड के अंदर क्यों है, और हमसे जो रिश्वतें ली गई हमारे बाकी और कुछ नहीं है, तो जितने भी जवान हैं सर वो एसपी